हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण हेतु केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद श्री अनुराग ठाकुर के अति लोकप्रिय सांसद भारत दर्शन 2.0 के मेधावी आज दिल्ली पहुंचे। इस बार सांसद भारत दर्शन योजना पर जाने हेतु 21 मेधावी बेटियों का चयन हुआ है। सभी छात्राएं अपने अपने पड़ाव पर आज सुबह दिल्ली पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने आकाशवाणी केंद्र का भ्रमण किया। इसके बाद सभी बेटियां संसद भवन पहुंची और संसद भ्रमण के बाद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 21 मेधावी बेटियां भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से भी मिली व उनका हिमाचल के पारंपरिक तौर तरीके टोपी शॉल व चंबा थाल के साथ अभिनंदन किया। संसद भवन में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष श्रीमती पीटी उषा जी ने सांसद भारत दर्शन की मेधावी बेटियों के साथ संवाद के दौरान उन्हें अपने जीवन के संघर्ष व अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के श्री अनुराग ठाकुर के निरंतर प्रयासों से भी अवगत करवाया। अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आए और 4 जिलों से चुने गए मेधावी छात्राएं हैं, जिन्होंने शिक्षा में तो बहुत अच्छा किया ही, लेकिन जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एजुकेशन के साथ साथ एक्सपोजर भी चाहिए। और एक अपने एजुकेशनल ट्रिप पर निकले हैं। मैंने आज से लगभग 5 साल पहले कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सांसद भारत दर्शन योजना। तो इसमें मेधावी छात्रों को चुनके हम देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। ये पहला बैच इस बार आया है और इनको अवसर मिलता है देश भर के शिक्षाविद से मिलने का, बुद्धिजीवियों से मिलने का। आज इनकी मुलाकात उपराष्ट्रपति जी से हुई, स्पीकर लोकसभा से हुई, वित्त मंत्री जी से हुई, फॉरेस्ट मिनिस्टर से हुई, और इसी तरह से ही अब इनके कई और माननीय मंत्रीगण से भी मुलाकात है। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा, वहां इनका दौरा होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में PHU से लेकर अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोग्राम्स भी देखेंगे और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलेंगे। इनका बहुत सारी मुलाकातें अलग अलग सेक्टर के लोगों से, ताकि समझ सकें कि जीवन में और अलग अलग क्या हो सकता है। और देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उसका एक बड़ा उदाहरण देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों तक देखने को मिलता है और देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। वंदे भारत से जाएंगे तो PM म्यूजियम देखने जाएंगे, रेड फोर्ट देखने जाएंगे और शाम को कर्तव्य पथ देखने जाएंगे। तो जो शायद पिछले 15 सालों में देखने को न मिला हो, ये अगले 5 दिनों में सब कुछ देखने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा क्षेत्रीय बच्चों हेतु भारत भ्रमण की एक अनूठी पहल का ये दूसरा चरण है। सांसद भारत दर्शन 2023 की घोषणा करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत दर्शन के पहले चरण की अपार सफलता के बाद अब दूसरा चरण कराने का निर्णय लिया गया है। श्री अनुराग ठाकुर ने पहले ही जानकारी दी थी कि इस बार विद्यार्थियों को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के भ्रमण पर ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।